झारखंड राज्य के पुरोधा भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की दो बहुओं में संपत्ति को लेकर लगातार तनाव बना हुआ था। सोमवार सुबह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुत्रवधू विनीता सिंह अपने कुछ समर्थक स्टाफ के साथ अचानक विनोद नगर राइफल लेकर पहुंच गई। मोहल्ले वालों को राइफल लेकर डराने लगी, मोहल्ले वालों से मारपीट करते गाली गलौज करने लगी। विनीता सिंह के उग्र रूप को देख मोहल्ले के लोग डर गए, कोई राइफल के कारण कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विनीता सिंह काफी गुस्से में थी। इसी बीच विनीता सिंह के स्टाफ दिलीप पांडे को मोहल्ले वालों ने पिटाई कर दिया। सूचना पाकर धनबाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। विनीता सिंह अपने घायल स्टाफ दिलीप पांडे को लेकर थाने आ गई। वहीं विनीता सिंह के स्टाफ दिलीप पांडे ने कहा कि उनके मालिक का जमीन संपत्ति को हड़प लिया गया है, वह एकमात्र स्टाफ है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सोमा महतो के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि विनीता सिंह का संपत्ति को लेकर सोमा महतो से विवाद चल रहा है। विनीता सिंह का व्यवहार बहुत खराब है, आए दिन लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट करने पर उतारू रहती है। आज राइफल लेकर अपने कुछ समर्थक के साथ पहुंच गई, बचाव में उसके स्टाफ के साथ मारपीट हुई है। मोहल्ले में किसी से विनीता सिंह की नहीं बनती है। प्रेम से उनकी पत्नी उनकी माँ और पड़ोस के जो है घर वाले भोला किराना ये सभी मिलकर रेखा महतो पिंकू महतो भूमिका उठवा रहे थे। अपना घर में घुसा के पूरा मारा और मेरा 30,000 रुपया लूट लिया और सोना का चेन छीन लिया। कारण क्या है मारपीट? कारण कुछ नहीं है, कारण जो है मैडम अपना विकास कर रही है, अपना जमीन के घेर गई, इसके लिए हम उसका मैडम का मैं नौकर हूँ, इसलिए इस तरह का जो है वो लोग साजिश रच के हम पर हमला किया, हमारे साथ लूटपाट मार किया। अब मैडम से उसको क्या है, उससे क्या लेना देना, हम क्या मजदूरी करते हैं। और प्रेम सिंह लॉ कॉलेज के क्लर्क है, मैडम उसके विरुद्ध में लिखा पढ़ी की है, जो वो कह रहा है कि तुम ही किए हो, हम इसमें कहीं कुछ नहीं है, वो लोग खुद जाली आदमी है। मैडम का जमीन भी हड़प रखा है और जो भी मैडम के पास में काम करने आता है उसको मारपीट और धनबाद थाना में खाली केस कर रहा है हम लोग के। गलत आरोप है, आप लोग रिवॉल्वर लेके गए नहीं हो तो उसके पास में साक्ष होगा, रिवॉल्वर रहने के बाद हम इतना मार खाते सर, ये तो सोचनीय बात है। 20 आदमी मिलकर हमको साथ इस तरह का हमला किया और मैं रिवॉल्वर कहाँ रखेंगे, जब वो हमको मार दिया घर में बंद रखा था रिवॉल्वर तो उसको शो करना चाहिए ना, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो क्या घटना हुआ? सुबह का टाइम था, सुबह में विनीता सिंह आई रिवॉल्वर बंदूक बंदूक ले लिया राइफल लेके और मोहल्ला में माता दिलीप पाड़े वो साथ में रहता है मोहल्ला में, सबको गाली माँ बहन बेटी बहू सबको गाली देना शुरू किया, जिसका साक्ष्य मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत है इसमें। तो अभी हम लोग थाना के लिए निकल रहे हैं। कारण क्या है? कारण उसका कोई कारण थोड़ी होता है, घमंड है उसको घमंड है, पता क्या चीज घमंड है, कारण उसके पास तो कुछ है नहीं है, कहती है तुमको फंसा देंगे और इस वजह से कहीं उसके घर के चारों तरफ हर तरफ से उसको झगड़ा हो चुका है, किसी से उसका मेल मिलाप नहीं है, कोई भी पड़ोसी से उसका मेल मिलाप नहीं है, वो अपने आप को यहाँ दबंग समझती है। आज सुबह आके मेरे यहाँ पे राइफल तान दी, मैं बच्चे को गाड़ी में बहन स्कूल बहन चला रहा था, मैंने फिर तान दी, बताइए आत्मरक्षा में क्या करेगा आदमी। पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस एक घंटे के बाद आई।